अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू ऑल? आर होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ओके क्लास नाइन्थ, व्हाट यू हैव टू डू टुडे, आपका असाइनमेंट है, दिस योर असाइनमेंट टू राइट अ एसे ऑन अ हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस पे आपने एटलीस्ट 4 पैराग्राफ यू आर राइटिंग, यू आर सपोज टू डू दैट, राइट क्लास? अच्छा, देन यहाँ पे आपको इन्होंने 4 क्या दी हुई है, गाइडलाइंस दी हुई है, यू हैव टू फॉलो दैम। अच्छा, नंबर वन आपको क्या कहती है, द नंबर वन गाइडलाइन से दैट द ब्रेन स्टोन आइडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द आइडिया। व्हेन यू थिंक अबाउट द आइडिया देयर मस्ट बी अ 3 to 4 ऑप्शन एंड 2 ऑप्शन and maybe multiple come into your mind, then you have to select the one on which you can written in on which you can write the best one। ठीक है, जिस पे आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं आपने उस पे आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट तो सबसे फर्स्ट पैरा आपका होगा, दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पैरा। इंट्रोडक्टरी पैरा मस्ट बी अ वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ये आपका बताता है कि अंदर का मैटर कैसा होगा, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग और बोरिंग। सो दैट जब भी आप अपना ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग का पैरा लिख रहे हो तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इट मस्ट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस पे आप लिख सकते हैं कि द विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ पास्ट एंड एंड देयर वे ऑफ लिविंग। On the last summer vacations or winter vacations, whatever vacations you have, I went there with my friends and family to this place। ठीक है, उस दिस प्लेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट मस्ट बी अ पैसल मॉस, मंजूदारो, ताजमहल, बच्चों ने लिखे हैं, योर क्लासमेट्स हैव बीन रिटन इट, राइट क्लास? ठीक है, देन यूज़ द सेपरेट पैरा फॉर ईच टॉपिक। आफ्टर दैट अपना फर्स्ट पैरा को बताने के बाद 1 to 3 लाइन्स ने आपने नेक्स्ट पैरा में आपने अपनी जर्नी लिखनी है कि आप किस तरह गए, हाउ यू वेंट देयर, यू वेंट देयर थ्रू ट्रेन, थ्रू प्लेन, थ्रू योर ओन कार्स, थ्रू बसेस। ठीक है, आफ्टर दैट ये बताने के बाद आप ये बता सकते हैं उसके अंदर कि आपका सफ़र कैसा रहा वहाँ तक पहुँचने तक का, लाइक आपने क्या क्या रास्ते में किया, होपफुली आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, राइट? आप ये लिख सकते हैं। आफ्टर दैट जो आपका जो थर्ड पैरा होगा दैट वुड बी द मेन पैराग्राफ। ठीक है, हियर यू आर रिटन अबाउट द मेन थिंग्स यू हैव बीन सीन देयर, आपने वहाँ जो जो चीज़ें देखी, जो जो चीज़ें रियलाइज करी, आपको जो इंफॉर्मेशन मिली, जो आपको नॉलेज मिली, इंफॉर्मेशन मिली, यू कैन शेयर देयर, वहाँ की कोई यूनिकनेस आप बता सकते।